हम लोग सीखेंगे अवरोही क्रम, ठीक है, संख्याओं को हम लोग अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं। क्लियर है? अवरोही क्रम में सजाइए। यहाँ कुछ संख्याएं दिया हुआ है, इसको कैसे सजाना है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का अंग्रेजी में नाम क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ जो संख्याएं दी हुई है इसे कैसे सजाना है? अवरोही क्रम में सजाना है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। अवरोही क्रम में जब संख्याओं को सजाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या लिखते हैं, उसके बाद उसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसको हम लोग अवरोही क्रम में सजाते हैं, आंसर लिख देते हैं। अब आप लोग बताएं ये कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है? 86। इससे छोटा कौन है? 63। लेकिन यहाँ पर जो हम चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से करेंगे, ठीक है, बड़ा मुँह किधर है? इस साइड में है। तो यह चिन्ह बता रहा है कि ये संख्या बड़ा है और ये संख्या 63 से छोटा संख्या कौन है? 48। ठीक है, 48 हो गया, और इससे छोटा 38। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो संख्या दिया हुआ है इसे भी हम लोग अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है? 500। किधर है? यहाँ पर है, 564। इसे छोटा 500। जब आप लोग बनाओगे कॉपी में तो जो संख्या लिख लोगे उसको टिक कर देना, ठीक है, तब ये पता चलेगा कि कौन सा संख्या आप लिख चुके हो। यदि टिक नहीं करोगे तो गड़बड़ी भी हो सकता है ना। 555 से छोटा 500, और इससे छोटा 543। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अवरोही क्रम में संख्याओं को सजाना सीख गए होंगे। ठीक है, सारे बच्चे सीख गए?